हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता. वेलकम टू लेट सक्सेस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं एंड डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं, टीचिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो अंत तक देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. जो पसंद आया मैं जिस टॉपिक को आपको चाहिए वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी. ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, जैसे सीटेट हो, यूपीटेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, AWES, ये सभी एग्जाम के लिए, जितने एग्जाम है टीचिंग का, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि. आगमन विधि इसको इंडक्टिव मेथड जो होता है आगमन विधि बोलते हैं इसको हिंदी में. आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड होता है क्या होता है, चाइल्ड सेंटर होता है. इंडक्टिव मेथड जो होता है चाइल्ड सेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं बाल केंद्रित, बाल केंद्रित. इंडक्टिव मेथड को हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि. आगमन विधि जो होता है अपना चाइल्ड सेंटर होता है, बाल केंद्र. तो इसमें क्या होता है, बच्चा होता है, टीचर नहीं होता है. नॉट दिस मेथड इज द चाइल्ड सेंटर नॉट टीचर सेंटर. सो पहले देखते हैं आगमन की मतलब क्या होता है. एग्जाम्पल टू रूल. इसमें क्या होता है कि जब कोई जब स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है तो क्या करता है, क्लास में सबसे पहले बच्चे के सामने क्या करता है, रूल बताता है, एग्जाम्पल देता है, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएगा. उसके बाद क्या करेगा कि रूल की तरह ले जाता है. इसमें जैसे कोई ग्रामर पढ़ाना है, ग्रामर से रिलेटेड जैसे वो खाना खाता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल देगा. सबसे पहले एग्जाम्पल देगा खाना वो खाता है, तो बताएगा कि ही ईट्स फूड, ईट्स फूड, वो खाना खाता है. ये डायरेक्ट क्या किया उसने, एग्जाम्पल दिया और वह रूल्स नहीं बताया. उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले बताएगा कि ही क्या अपना सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, इट्स वर्ब है, फूड अपना क्या है, फूड जो होता है ऑब्जेक्ट होता है. तो ये उसके बाद एग्जाम्पल के बाद क्या बताएगा, उसको रूल बताएगा. तो ये हो जाए एग्जाम्पल टू रूल जो जाता है. तो आगमन विधि बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड. उसके बाद आता है अपना कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. इसका मतलब होता है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरह जाना, मूर्त से अमूर्त की तरह. इसको जो चीज़ उसको सामने दिखाई देता है, जैसे माइक एग्जांपल दे रही, माइक उसके सामने दिखाई देता है तो उसको पता चल जाएगा कि माइक है, माइक में जब बोलूँगा तो ये साउंड है, इससे साउंड रिकॉर्ड होता है. ये क्या होता है, उसको कंक्रीट बोलते हैं. अब्स्ट्रैक्ट जो उसके सामने नहीं दिखता है, जो उसके सामने नहीं दिखता है उसको अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो ये किसके में आता है, कंक्रीट जो होता है अपना, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जो होता है इंडक्टिव मेथड में आता है. उसके बाद आता है आपका नो टू अननोन, नो टू अननोन. इसमें क्या होगा, जो बच्चा जानता है, जैसे गिलास में पानी है तो पानी के साथ उसके सामने एक गिलास दे दीजिए और पानी दे दीजिए, तो वो पानी गिलास में पानी पता चल जाएगा उस गिलास में क्या है, पानी है. अगर उसको उसके सामने दूध नहीं रखा गया तो उस पूछेंगे कि दूध कहाँ है, तो क्या करेगा उसके बारे में उसको नहीं बताएगा कि दूध कहाँ पे है और दूध क्या चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या उसके सामने प्रेजेंट है नो. जो चीज़ जानता है, जो चीज़ ज्ञात है, उसको जो पता है उसको भी ज्ञात से, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्ञात से अज्ञात. जो जानता है उसको ही बताएगा, जो जानता है. नोन टू अननोन जाने की विधि कौन कौन सी विधि बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि बोलते हैं. अब आता है फोर्थ, इसमें आता है कि बॉटम टू टॉप विधि होता है कि जैसे वन एग्जाम्पल नीचे से ऊपर की तरह जाने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो क्या करता है, वन क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाने को क्या बोलते हैं, बॉटम से टॉप की तरह जाना होता है. तो यहाँ से 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये क्या हुआ, स्मॉल टू बिगेस्ट जाने को क्या बोलते हैं, बॉटम टू टॉप बोलते हैं, मैं नीचे से ऊपर की तरह जाने को क्या बोलते हैं, आगमन विधि में आता है। ये पूछेगा कि नीचे नीचे से ऊपर जाने की विधि कौन सी विधि में आती है, तो आप लोग बताएंगे इंडक्टिव मेथड में आता है, इंडक्टिव विधि हिंदी में बोलते हैं, आगमन विधि बोलते हैं, जिसको बॉटम टू टॉप बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ, आता है फिफ्थ, आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से मिश्रित, एग्जाम्पल देगा आपको, एग्जाम्पल देके बोलेगा कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह जाते हैं, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि इंडक्टिव मेथड होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि बोलते हैं, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सरल से मिश्रित। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसको पाँच छः गॉगल्स दे दीजिए, क्रेयन दे दिया, उसको बोलिए कि इसको काउंट करके अलग अलग निकाल के बताइए कि इसमें कौन सा गॉगल्स है, कौन सा क्रेयन है या कलर है, वो सबसे जो उसके सामने प्रेजेंट रहेगा तो उसमें सिंपल रहेगा तो क्या करेगा उसको निकाल देगा। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे गॉगल्स दे दिए, क्रेयन दे दिए, इरेजर है, बुक्स है, सब चीज़ मिक्स करके वहाँ पर रखा जाता है, तो क्या करता है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर ये पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले दो चीज़ रखे जाते हैं, उसके बाद दो से चार पाँच छः सात आठ करके रखा जाता है वहाँ पे, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद जाता है सिक्स पे आपका स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य। सिक्स पॉइंट पर आपका आता है स्पेसिफिक से जनरल होता है, इसलिए हिंदी बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य। आपको पूछेगा एग्जाम में विशिष्ट से सामान्य किस मेथड में आता है, कौन से इंडक्टिव मेथड में आता है कि डिडक्टिव मेथड, तो आप लोग बताएंगे इंडक्टिव मेथड में आता है, इसको आंगन विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत सारे यहाँ पे कंप्लेस करके रखा जाता है, इसको अपोजिट करके रखा जाता है, बहुत सारे वहाँ पे चीज़ एक मिक्स करके रख दिया जाता है, उसके बाद इसको फाइंड करना और एक एक करके निकाला जाता है, तो वहाँ पे कहते हैं सामान्य की तरह जाता है। तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड को हम चाइल्ड सेंटर बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर में नॉट टीचर सेंटर होता है इसमें, और इसको फर्स्ट आता है आपका बॉटम टू टॉप होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेसिफिक होता है, नॉन टू अननोन होता है। तो ये आपका इंडक्टिव मेथड। इसके बाद डिडक्टिव मेथड बता रही हूँ, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं निगमन विधि, निगमन हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। इसमें क्या होता है, रूल टू एग्जांपल, इसमें रूल टू एग्जांपल जाते हैं। और उसके बाद सेकेंड आता आपका फर्स्ट जनरल टू स्पेसिफिक, अननोन टू नोन, अननोन टू नोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, टॉप टू बॉटम, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, मैक्रो टू माइक्रो, डिडक्टिव मेथड जो होता है टीचर सेंटर होता है, टीचर सेंटर
डिडक्टिव मेथड जो होता है टीचर सेंटर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि बोलते हैं। और ये क्या होता है, टीचर सेंटर होता है, इसमें सबसे पहले आता है एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। इसमें नियम से पहले नियम सिखाया जाता है बच्चे को, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे वो खां वो जा रही, तो सबसे पहले वो जा रहे थे सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, सी क्या है आपका, सी जो होता है सब्जेक्ट होता है सी, सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो सबसे पहले उसको टीचर क्या रूल्स बताएगा, यहाँ पे जो रूल्स बताएगा क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, सब्जेक्ट आपको लिखाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बताया जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सी सबसे पहले सी क्या बताएगा, टीचर बताएगा उसको कि सी क्या अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या कौन सा आएगा, सी आएगा, ही आएगा, यू आएगा, दे आएगा, आई आएगा, ये सब क्या है उसको रूल बताएंगे। इस क्या होता है अपना, इस क्या होता है हेल्पिंग वर्ड आता है, उसके बाद गोइंग क्या होता है, गोइंग जो होता है वर्ब होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आएगा। स्कूल जो होता है ऑब्जेक्ट आता है, स्कूल क्या होता है जो लास्ट में जाता है, कहाँ पर जाता है उसमें, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही थी, स्कूल जा रही थी, स्कूल जा रही तो ऑब्जेक्ट है, उसको रूल बताया, रूल के बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ पे पहले रूल लिखवाए जाते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में उसको ऐसा पूरा सेंटेंस सिखाया जाता है, एक सेंटेंस सिखाया जाता है जैसे पूरा सेंटेंस कवर होता है। सी इज द गोइंग टू स्कूल होता है, इसमें डिडक्टिव मेथड को ही निगमन विधि में रूल सिखाया जाता है। फिर जनरल टू स्पेसिस, उसके पहले सबसे पहले एक सामान्य विधि दिया जाती है, सामान्य चीज दिया जाता है, उसके बाद विशिष्ट की तरह पढ़ाया जाता है, नोन टू, उसके पहले उस जैसे आगरा के बारे में पढ़ाना है, चारमीनार के बारे में बताना है, जिस मुगल सम्राट के बारे में बताना है, तो उसको तो इतिहास हिस्ट्री पता नहीं रहता है, लेकिन सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं अननोन, अज्ञात से क्या करते हैं ज्ञात की तरह जाते हैं। तो जब उसको अज्ञात से ज्ञात की तरह जाते हैं तो इसमें बच्चे को क्या होती है डिफिकल्टी होती है, ये रोट लर्निंग होती है, ये क्या होती है रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग मेमोराइज, ये क्या होती है रटने की विधि होती है। यहाँ पे क्या होती है स्मरण करने की क्षमता कम होती है, उसकी सेल्फ कैपेसिटी जो होती है कम होती है, ये क्या होती है नोन टू नोन बोला जाता है, कम्प्लेन टू सिंपल, जब वहाँ पे बहुत सारे चीज़ का मिस कर दिया जाता है उसमें से उसको छाट छाट के एक एक करके फाइंड आउट करके वहाँ पे रखा जाता है तो उसको सिंपल बोलते हैं। टॉप टू बॉटम, जैसे यहाँ पे अपोजिट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 to 10 तक, तो यहाँ पे 10 से जाएगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बटन की तरह जाएगा, बटन टॉप से ऊपर नीचे, ऊपर से क्या करेगा नीचे की तरह जाएगा, तो उसको ही बोलते हैं हम टॉप टू बटन में होते हैं। 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, ये क्या होता है कि उल्टा जाता है यहाँ पे, तो टॉप टू बटन जाएगा। तो ये मुझे कौन सी विधि में आती है, इंडक्टिव मेथड है कि डिडक्टिव मेथड है, तो आप लोग बताएंगे डिडक्टिव मेथड है, और हिंदी में ही इसको निगमन विधि बोलते हैं। अबस्ट्रैक्ट टू द कंक्रीट, ये क्या मूर्त से अमूर्त की तरह, मूर्त से अमूर्त की तरह बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट में। तो ये क्या होता है कि इसमें जो बच्चा जिसको देख नहीं सकता है, जिसको दिखता नहीं है, जिसको महसूस नहीं कर सकता है, टच नहीं करता, फील नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट टू द कंक्रीट बोलते हैं। जो चीज़ है उसको फील कर सकता है, जो चीज़ देख सकता है, जो उसके सामने प्रेजेंट है, तो उसको कंक्रीट में काउंट कर देता है। माइक्रो टू टीचिंग, माइक्रो मीन्स बहुत सारे क्या होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं, और कम्प्लेक्स होने के बाद ही माइक्रो छोटे छोटे करके डिवाइड करके करने के बाद उसको अरेंजमेंट करना रहता है। जैसे आपको बहुत सारे बुक दे दिया जाएगा, बुक दे दिया जाएगा, लीफ दे दिया जाएगा, और बहुत सारे स्पून दे दिया जाएगा, फॉग स्पून रहता है, की रहता है, वहाँ पे सब मिक्स करके अगर रख दिया जाएगा, और बच्चे को बॉल्स मिक्स रख दिया जाता है, तो हम बोला जाता है कि इसमें लीप काउंट करो, तो क्या करेंगे एक एक जो लीप रहता है उसको काउंट करते जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो से जब बड़े से छोटे की तरह जाते हैं, स्कूल से सूक्ष्म की तरह जाते हैं, तो उसको माइक्रो टू माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है रोट लर्निंग होता है, यह रटने की विधि होती है, ना कि इसको अंडरस्टैंडिंग विधि नहीं बोलते हैं, समझने की विधि नहीं बोलते हैं, मेमोराइज यहाँ पे स्मरण की विधि होती है, अपना खुद का वो दिमाग नहीं लगाता, ये खुद डिस्कवरी सेंटर भी नहीं होता है। तो ये रहता है अपना डिडक्टिव मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये